अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फैशन और ब्यूटी। फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है उसमें आपको बहुत ही खूबसूरत से दुपट्टास के आइडियाज़ देखने को मिलेंगे। अगर आप ब्राइडल्स के या फिर अपनी किसी वेडिंग फंक्शन के लिए दुपट्टा को डेकोरेट करना चाह रहे हैं, ईद आ रही है तो ईद के लिए डेकोरेट करना चाह रहे हैं, तो तमाम तरह आइडियाज़ आपको इसी वीडियो में मिल जाएंगे। हैवी एम्ब्रॉयडरी लेसेस को यूज़ करते हुए भी दुपट्टास को डेकोरेट किया गया है, और उसके अलावा जो है सिंपल जो पीको वगैरह है उससे भी आप अपनी दुपट्टा को डेकोरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है आपको गोटा पट्टी की मदद से बहुत ही खूबसूरत सा एक डिज़ाइन देखने को मिला है, तो आप भी इसी तरह से गोटा पट्टी की मदद से इस दुपट्टे को जो है वो डेकोरेट कर सकते हैं। ये निकाह पे या फिर आप किसी भी फंक्शन के लिए इसको डेकोरेट कर सकते हैं। और ये कुछ लेसेस हैं जो सिंपल हैं, आप कैजुअल जो भी अपने लिए ड्रेस डेकोरेट कर रहे हैं या स्टिच करवाए हैं उसके लिए इस तरह का दुपट्टा जो है आप डेकोरेट कर सकती हैं, और कुछ पाइपिंग्स भी आप यूज़ कर सकती हैं, और जो है इस तरह की लेसेस को यूज़ करके आप बहुत खूबसूरत से डिज़ाइनिंग कर सकती हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो जो है वो अच्छी लगेगी। अगर आप लोग हमारे चैनल पे न्यू आए हैं तो प्लीज़ जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप इसी तरह के खूबसूरत आइडियाज़ जो है वो यहाँ से हासिल करते रहेंगे। हमारे चैनल पर आपको ड्रेसिंग से रिलेटेड और किड्स के ड्रेसिंग से रिलेटेड और डिफरेंट स्टाइल्स के दुपट्टास के आइडियाज़ और जो लेटेस्ट आइडियाज़ आपको देखने को मिलेंगे सब के सब। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर कोई फरमाइश है तो वो भी आप कमेंट में कर सकते हैं। फ्रेंड्स को अपने इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिएगा। आप इसी तरह के पीकोज और ये क्रोशिया वर्क को भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। इसके अलावा जो है इस तरह के ट्रेजर्स जो है वो यूज़ कर सकते हैं। मिरर लेसेस का आजकल बहुत ट्रेंड है, तो आप जो है वो इस तरह की लेसेस और पर्ल्स और बीड्स वगैरह को यूज़ करते हुए हैवी दुपट्टास को डेकोरेट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अपना ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।